So what is up guys, I hope you are doing absolutely fine. Welcome back to channel, and first of all happy Diwali to all of you from Canada. लास्ट टाइम की दिवाली इंडिया में हुई थी, बहुत ही शानदार विथ फैमिली, एंड इस बार की दिवाली कनाडा में अकेले, नॉट एक्चुअली अकेले, वन ऑफ माय मामा स्टेज इन कनाडा. सो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी हम रेडी तो हो गए, सो मेरे मामा के घर जाएंगे, वहाँ सेलिब्रेट करेंगे. एंड यस ऑब्वियसली आई मिस माई पेरेंट्स एंड माई फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, कंपनी में हैं, कॉलेज के हैं, बिल्डिंग्स के हैं, सबके साथ मेमोरीज़ है, बहुत याद आ रही है सबकी. बट आज अपने को जाना है मामा के घर, एंड आई एम प्रीटी मच लेट राइट नाउ. सो पहले भागते हैं, वहाँ जाके फिर से लाइव होंगे. चलो सी या much later. Oh man, I'm traveling since 1 PM and currently it's 4:50. ये कनाडा की बसेस, आई मीन आई एम टेलिंग यू, ऊपर से ब्रेंटन की बसेस की सर्विस उससे भी घटिया. 3 बजे सुसु लगी है और यहाँ पे ब्रेंटन में ठंड ज़्यादा है. आई कैन नॉट टॉलरेट. मैंने मेरे मामा को फ़ोन किया, भाई अब लेना हो मेरे को, अब नहीं हो रहा, बस वाले बहुत लेट कर रहा है. हाँ मैं बात भी नहीं कर पा रहा. सो हे गाइस, फाइनली माय कज़न पिक मी अप. His name is Neil. Neil said hi. It's dark right now, but we grabbed some coffee. Now we are heading towards buying some firecrackers. Then we will go to home. And Puja, when does Puja starts? I don't know. Probably in an hour or so. Yeah. Give me 2 months. So अभी हम घर पे आ गए हैं, and now we are starting with our Puja. So let's go for Puja. एंड उसके बाद देखते हैं, फायरवर्क्स ले लिए. सो फायरवर्क्स के लिए मे भी हम लोग बाहर जाएंगे. लेट्स सी, पहले पूछा तो ख़त्म कर लें. तो इस बार तो लगा था कि दिवाली एकदम डल जाएगी, बट लकीली आई हैव सम ऑफ माय रिलेटिव्स लिविंग ओवर हियर इन कनाडा. सो दिवाली का वो वाइब तो किल नहीं हुआ एटलीस्ट. हाँ, बट ये दिए देखकर घर की बड़ी याद आ रही है. हर बार मम्मी जब खुद पेंट करके, खुद डिज़ाइन करके जब दिए जलाती है, पूरा वो माहौल, वो जो घर की सफाई, सब कुछ एक अलग ही वाइब होता है दिवाली का. वो बड़ा मिस किया. और अब बाकी का जो वाइब है वो इस खाने ने कंप्लीट कर दिया, जो नॉर्मली हॉस्टल वालों के नसीब में नहीं होता. But luckily I got to eat those typical Indian food which we have in Diwali, so pretty much lucky about that. और फिर बारी आई पटाखे जलाने की. तो वैसे तो मैं काफ़ी टाइम से पटाखे नहीं जलाए, बट आज बड़ा मन कर रहा था मेरा. एक अलग सा ही हैप्पी वाला फीलिंग था. आखिर कनाडा में पहली दिवाली है भाई, तो थोड़ी सी खुशी एक्सप्रेस करने में क्या ही खराबी है. इंडिया में तो इस टाइम पूरे टाइम पटाखे जलाने की आवाज़ आती है, और यहाँ पर देखो तो पूरा कंपैरेटिव, मतलब एकदम शांत एटमॉस्फेयर था. और जो भी है, जैसा भी है, मुझे बड़ा मज़ा आया इतने टाइम बाद फायर क्रैकर्स जला के. वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में कुछ ना होने से बेहतर है एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है. आज मेरे साथ मेरे यहाँ पे पेरेंट्स नहीं है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके साथ मैं पहले से दिवाली मनाता आया हूँ, वो नहीं है. ऑब्वियसली बड़ी याद आ रही है उनकी, लेकिन एटलीस्ट मैं थोड़े कुछ अलग तरीके से, नए लोगों के साथ, अलग कंट्री में मेरे देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट तो कर रहा हूँ. तो बस मैंने इसी में अपनी खुशियाँ ढूंढ ली. ओके सो थोड़ा सा व्लॉग का वाइब चेंज करते हैं, इस रात में थोड़ी सी और जान डालते हैं. और हाँ, प्लीज़ डोंट जज मी. एक ही ज़िंदगी है, कभी कभी एंजॉय कर लेना चाहिए. हमेशा थोड़ी ना हेल्दी डाइट पे रहा जाता है. थोड़ा सा स्पिरिट और थोड़ा सा स्पाइस होना ज़रूरी है बॉस, वरना लाइफ एकदम फीकी हो जाती है. तो अगली सुबह कुछ ऐसी, थोड़ा सा हैंग हो, जोरों की बारिश और हाँ एक गर्मा गर्म चाय। हालांकि आई एम अ कॉफ़ी पर्सन बट बारिश के साथ तो चाय ही सूट करती है। और हाँ बारिश चल रही हो और मैं ड्राइव पे ना निकलूँ, इम्पॉसिबल। तो फिर क्या, हमने उठाई रेंज रोवर और मैं और मेरे कज़िन निकल पड़े कार राइड पे। अब कनाडा में वेदर तो कांस्टेंट रहता है नहीं, सो जब भी चांस मिले मज़े मार लो। विंटर्स आ रहे हैं, क्या पता कब स्नोफॉल शुरू हो जाए, सो जितना भी टाइम है घूम लो, फिर तो घर में ही रहना है चार दीवारियों के बीच। अब प्लान तो था कि मैं अपने रिलेटिव्स के घर और स्टे करूं, लेकिन मेरी कॉलेज वालों को हमारी खुशियां हजम कहाँ होती है, रखती हैं एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट दिवाली के टाइम पे। सो घर तो आना ही पड़ेगा मजदूरी करने। So hey guys, I hope you liked the video until now. So leave a big thumbs up. And currently my cousin is dropping me home. And yes, again happy Diwali to you all, and I hope you all enjoyed your Diwali. And most probably when you will be watching this vlog, it will be New Year, so happy New Year to all. And yeah, that's it for today, and see ya, take care, and once again happy Diwali, happy New Year, bye bye.